सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे बालों के बारे में, एंड आज की वीडियो होने वाली है एक सप्लीमेंट के बारे में जो कि आपको लेना चाहिए अगर आप हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का टेक्सचर है उसके अंदर सुधार आए, आपके बालों की थिकनेस बढ़े, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है और एक एक छोटी से छोटी चीज को मैं ब्रेक डाउन करूंगा इजी लैंग्वेज में जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सप्लीमेंट तभी वर्क करता है जबकि आपकी जो डेली रूटीन में जो आप डाइट ले रहे हैं वो अच्छी है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप स्लीप अपनी प्रॉपर ले रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, तब सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट करते हैं आपकी डाइट को, ये पूरी तरह 100% नहीं होते हैं। तो कोई भी सप्लीमेंट जब मैं आपको रिकमेंड करता हूं मैं हमेशा आपको ये बात जरूर बताता हूं। तो अगर आप उस सप्लीमेंट को लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी नॉर्मल डाइट को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओजीवा हेयर विटामिंस के बारे में। ओजीवा हेयर विटामिंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने का काम करेगा। ऐसा इसके अंदर क्या है जो कि आपके हेयर फॉल को स्टॉप कर सकता है, आपके बालों की थिकनेस को बढ़ा सकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, बालों के हेयर फॉल होने का सबसे मेन जो कॉज होता है स्पेशली मेन के अंदर वो होता है डीएचटी। डीएचटी क्या होता है? डीएचटी का फुल फॉर्म होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का ही एक बायो प्रोडक्ट है डीएचटी। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में आपने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लिए हुए हैं या आपकी बॉडी में कुछ जीन्स की वजह से डीएसटी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, डीएसटी बहुत ज्यादा बन रहा है, आपका जो हार्मोन है जो आपका मेल सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो अगर ज्यादा डीएसटी में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। सो जो लोग बोलते हैं ना कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है उसे इसी से जो है कोरिलेट किया जाता है कि डीएसटी। अब डीएसटी के अंदर भी एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेस। अब ये 5 अल्फा रिडक्टेस क्या करता है? ये आपके नॉर्मल जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि अच्छा होता है आपकी मेल ग्रोथ के लिए क्योंकि एक आपका मेल ग्रोथ हार्मोन है, उसको कन्वर्ट करता है डीएसटी में। और डीएसटी क्या करता है? आपके बालों के जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये श्रिंक करने का काम कर देता है, तो ये उनके साथ में इंटरफेयर करता है और एक तरह से एक लेयर बना देता है जिससे ना जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपने बालों के लिए या अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए वो आपके बालों तक नहीं पहुंचता। ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके बालों में जो जान होती है वो कम होती जाती है और आपके बाल टूटना चालू हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस कभी कभी बहुत तेजी से होता है और कभी कभी ये कम होता है। तेजी से कब होता है? तेजी से प्रोसेस तब होता है जब आप कोई स्टेरॉयड साइकिल पे हों या बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, तो ये डीएसटी का जो ये फॉर्मेशन है ये बहुत तेजी से होता है और आपके बाल बहुत ही तेजी से झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपने हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले डीएसटी के जो है ये कन्वर्जन है इसको स्टॉप करना होगा। तो नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर कौन सा है? तो इस सप्लीमेंट के अंदर आपको एक नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर देखने को मिलता है जिसका नाम है स्टिंगिंग नेटल। ठीक है, एक तरह से पत्ती होती है और उसी से इसको निकाला जाता है, ये आपका नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर होता है। ये क्या करता है? आपके हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करता है और आपके डीएसटी कन्वर्जन को कम करता है जिसकी वजह से जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो आपके बालों की जड़ों तक पहुंचता है और आपके बालों की रीग्रोथ चालू होती है और आपके बालों को वो न्यूट्रिशन मिलता है जिससे कि आपके बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं। दूसरा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है? ओमेगा 3 आपके स्कैल्प को नरिश करता है। ओमेगा 3 के बहुत सारे काम है लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सिर्फ बालों के बारे में। तो ये आपके बालों की जड़ों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपके बाल नरिश दिखाई देते हैं। तो जैसे आप दूर से देखते हैं कि किसी के बाल बहुत ज़्यादा आपको शाइनी नज़र आते हैं, तो वो जो शाइन है वो ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है आपके बालों में और ये शाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके बालों में वो शाइन नहीं होगी तो आपके बाल बड़े ही बेजान नज़र आएंगे और कोई भी नहीं चाहता कि उसके बाल बहुत ज़्यादा रफ दिखाई दें, बहुत ज़्यादा ड्राई दिखाई दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसे विटामिंस भी हैं जो कि आपके नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। कौन कौन से हैं वो विटामिंस? इसके अंदर आपको विटामिन ए देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको बीटा कैरोटीन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको जो है नेचुरल। तो कौन कौन से वो विटामिंस हैं? तो इसके अंदर आपको नेचुरल विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, जिंक, ओमेगा 3 और बहुत सारे ऐसे विटामिंस एंड मिनरल्स हैं जो कि आपके बालों की हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर आपको स्टिंगिंग नेटल जैसे डीएसटी ब्लॉकर, इसके अंदर आपको स्टिंगिंग नेटल जैसे डीएसटी ब्लॉकर्स, पम्पकिन सीड, बीटा सिट्रोस्टेरोल,
एंड पाइन बाग, ये सब जो है मिलता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और आपकी हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डोजेस क्या होगी। तो इसकी आपको दिन में 2 कैप्सूल्स लेने हैं। इसके अंदर आपको 60 कैप्सूल देखने को मिलते हैं, तो यानी कि एक जो पैकेट है, एक जो बॉटल है, वो आपका 30 दिन चलने वाला है। एक कैप्सूल आप लेंगे आफ्टर आपका लंच और एक कैप्सूल आप लेंगे आफ्टर आपका डिनर। अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लंच के बाद लीजिए। लंच और डिनर के बाद में आप एक एक कैप्सूल लीजिए, और आपको ये फॉलो करना है कम से कम 3 महीने, क्योंकि नए बाल आने के लिए मिनिमम 3 महीने का टाइम लगता है। बहुत सारे लोग जो है पेशेंस बीच में ही खो देते हैं और 3 महीने तक इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और आपको फिर इतने अच्छे डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपको जो है अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। स्लीप कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। आपके लाइफस्टाइल में आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट ऐड करना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड, वर्कआउट क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज वर्कआउट से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छे से आपकी बालों तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे। और अपनी डाइट जितनी आप न्यूट्रिएंट रिच कर सकते हो उतना आप कीजिए, ठीक है। बाहर के जंक फूड से थोड़े दिनों के लिए दूरी बना लीजिए जब तक आपके बाल अच्छे नहीं हो जाते। जंक फूड मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इंसान हो, खाओगे, लेकिन एक लिमिट में, एक मॉडरेशन में। डाइट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप कभी थोड़ा बहुत जंक खा भी लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से। लेकिन आप पूरा 100% अगर जंक फूड के ऊपर रिलाई करोगे और 70% आप जंक फूड खा रहे हो, 30% आप अच्छी डाइट ले रहे हो, तो सब कुछ वेस्ट ऑफ मनी है। ये सप्लीमेंट भी कुछ नहीं करने वाला। इसकी MRP है 854 रुपीज, और Amazon वगैरह पे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से जुड़ी कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अंदर किसी तरह की शुगर ऐड नहीं की गई है। ये नॉन GMO सर्टिफाइड है। ये सर्टिफाइड है क्लीन न्यूट्रिशन के लिए। सबसे बड़ा ब्रांड है पूरे इंडिया में ओजीवा क्लीन न्यूट्रिशन में। जब आप बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स के अगर आप बात करें तो बहुत बड़ा नाम है ओजीवा का, एंड ओजीवा वाकई में काफ़ी अच्छा है। ओजीवा क्लेम करते हैं कि 8 हफ्तों के अंदर आपके बालों की जो है थिकनेस बढ़ेगी और आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा। 8 हफ्ते यानी कि 56 दिन, 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको इसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो 3 महीने मिनिमम कंटिन्यू करना है। 3 महीने के बाद चाहे आप स्किप कर सकते हैं या कुछ टाइम इसका गैप देके वापस इसको जो है रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट ओजीवा हेयर विटामिंस। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई किसी भी रीजन से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।